नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य झा इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं लॉजिटेक के G402 माउस के बारे में। ये जो माउस है भाई साहब, 2018 में मैंने इसको परचेस किया था और तब से अब तक चला रहा हूं। 3 साल तक एकदम रगड़ के चलाने के बाद ये जो रिव्यू है ये आया है। और भाई साहब, इसमें बहुत सारा फुटेज ऐसा है जो 2018 का होगा, कई फुटेज ऐसा है 2021 का होगा। और ये रहा इसका ऑफिशियल बॉक्स, G402 हाइपेरियन फ्यूरी जो माउस है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए तब से लेके अब तक। और कई लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करी ऑनलाइन कि उनको डबल क्लिक वगैरह के इश्यूज आते हैं, मेरे को आज तक नहीं आया, तो चलो मैं बचा हुआ हूँ। और 420 IPS ट्रैकिंग इसमें पॉसिबल है फ्यूजन इंजन द्वारा। और ये जो माउस एक डेल्टा जीरो सेंसर के साथ आता है, तो आइए करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले अंदर आपको मिलता है इसके लिए जो माउस है वो, अब माउस को देखते ही आपको एक चीज़ रियलाइज होगी कि भाई ये कुछ अलग टाइप का माउस है, उस बात को मैं अभी समझाऊंगा ज़रा। अब ये जो अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल ये सब मिलता है, ठीक है। और आप इसकी जो लॉजिटेक का फ्यूजन सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करके इसके लाइट वगैरह को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें जो है वो सब कर सकते हैं। और इसकी जो केबल है भाई, 2.1 मीटर की ये केबल है, काफ़ी सफिशियंटली बड़ी है। ब्रेडेड केबल नहीं है ये, तो कई लोग जिनको ब्रेडेड केबल पसंद है उनको मैं बोलूँगा भाई लॉजिटेक G502 लो जाके, ब्रेडेड केबल ही अगर चाहिए ज़िंदगी में तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। साइड में DPI स्विचिंग के लिए बटन्स दे रखे हैं। एंड मैंने एक्चुअली मैं तीनों प्रोफाइल को सेम DPI पे रखा था क्योंकि मेरा अंगूठा बहुत लंबा है और कई बार गलती से मैं DPI स्विच कर देता था तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था गेम खेलते वक्त। बट जिन लोगों के साथ मतलब ऐसी कोई दिक्कत ना आती है उनके लिए सही है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा अंगूठा ऑलमोस्ट पहुंच रहा है DPI बटन तक, इवन जब मैं नॉर्मल एक रिलैक्स्ड ग्रिप रख रहा था तब भी। 8 प्रोग्रामेबल इसके अंदर बटन्स हैं और 4 प्रीसेट्स जो हैं DPI के, उसमें आप एकदम 240 DPI तक भी जा सकते हैं और 4000 DPI तक भी जा सकते हैं। ऑन बोर्ड इसके ऊपर मेमोरी प्रोफाइल चिप है जिसके आप ऊपर आप अपना इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स वगैरह ये सब स्टोर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन यानी कि जो DPI सेटिंग्स है वो सब स्टोर कर सकते हैं। 32-bit का ARM प्रोसेसर इसके अंदर जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है रियल टाइम में। जितने भी इन्होंने मटेरियल यूज़ करे हैं वो कहनेकल तो भाई लाइट वेट है, बट मुझे शायद से सबसे भारी माउस लगा आज तक का जो मैंने चलाया है। कई लोगों को ठीक लगेगा बट मुझे डेफिनेटली भारी लगा। 145 ग्राम से माउस वे करता है। डिज़ाइन जो है वो राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाया है, तो जो लोग ऐसे लोग होंगे जो कि भाई लेफ्ट हैंडेड है उनके लिए नहीं है भाई। और एम्बिडेक्स्ट्रस लोग जो कि दोनों हाथ से ग्रिप चेंज करके खेलना चाहते हैं उनके लिए भी ये डिज़ाइन नहीं है। बॉटम पे जो ऑप्टिकल सेंसर दे रखा है मुझे बहुत ही सही लगा। और ये माउस जो है इसके अंदर जो फ्यूजन इंजन दे रखा है वो कई जगहों पे ठीक काम करता है, बट CSGO वगैरह जैसी गेम्स में मैं कहूँगा कि भाई सेटिंग्स पे जाके फ्यूजन इंजन को ऑफ कर दो, कई बार आपका एम खराब हो जाता है उसकी वजह से। अब ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये है 2018 का फुटेज। आप देख सकते हैं कि भाई मैं बिना माउस पैड के सनमाइका के ऊपर इसको चला रहा हूं। और वो जो माइका है वो भाई वो घिस गई है मेरे गेम खेलने की वजह से, उस ज़माने की बात है ये। और इसके अलावा और भी अन्य चीज़ें जो इसके बारे में जानने लायक है वो ये है कि भाई DPI वगैरह तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक इशू जो मुझे फील हुआ वो ये कि मुझे रीलर्न करना पड़ा कि इस माउस को पकड़ना कैसे, क्योंकि ज़्यादातर मैं अपने DPI स्विच बटन को दबा देता था। उसके अलावा जिन लोगों की क्लॉ ग्रिप है उनके लिए उतना ज़्यादा सूटेड नहीं है माउस, पाम ग्रिप और हाइब्रिड ग्रिप वालों के लिए ज़्यादा बढ़िया है। मेरा जो ग्रिप है आप देख के पता लगा सकते हैं कि हाइब्रिड ग्रिप है और मुझे डेफिनेटली यार ये माउस बहुत पसंद है बिकॉज मेरा हाथ भी बहुत बड़ा सा है तो मज़ा आता है गेम खेलने में इसके साथ। कलर जो है इस माउस में यार वो फिक्स्ड लेवल का कलर है जो कि ब्लू है, तो लॉजिटेक के सॉफ्टवेयर से आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ब्रीदिंग लाइट वाला रेट चेंज कर सकते हैं या उसको एक कॉन्स्टेंट ब्लू लाइट बना सकते हैं, बट इससे ज़्यादा कुछ वहाँ पे कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक नॉर्मल केबल जो दे रखी है वो ठीक है, बट ब्रेडेड केबल होती तो और मज़ा आया था ज़िंदगी में। और जो हैवी वेट है इस माउस का उसकी वजह से कई बार आपको लगेगा कि ऑपिंग वगैरह करते वक्त फ्लिक करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि रेजर वाइपर मिनी जैसा ही माउस लो वैसी गेमिंग करने के लिए। और कितने लोगों ने जो ऑनलाइन रिपोर्ट किया कि भाई उनको डबल क्लिक इश्यूज आए हैं, तो भाई मेरी अब तक किस्मत इतनी ख़राब नहीं हुई कि मुझे डबल क्लिक इश्यूज आए, बट यार ये बात है कि भाई डबल क्लिक इश्यूज बहुत लोगों को फेस हुए इस पे। और उसमें आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन होता है कि जो 2 साल के लोग वारंटी देते हैं उसमें आप अपने माउस को चेंज करवा लीजिए, इससे ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। FPS गेमिंग के लिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज़बरदस्त माउस है। और एक इशू और जो कई लोगों ने बोलता है कर्सर शिवरिंग इशू कि बस माउस रखा हुआ है एक जगह पे और आपका कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है हल्का 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 हल्का, वो एक दो बार मुझे लगा 6-7 महीने में एक बार कभी आता था वो इशू, बट उतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं है वो इशू। जो लोग RGB लवर्स हैं भाई वो माउस ये गलती से भी मत खरीद लेना। इसके अलावा जो इसके स्विचेस हैं उनको 20 मिलियन क्लिक्स के लिए रेट किया गया है। इवन नॉर्मल प्रोडक्टिविटी वगैरह के कामों के लिए मैं कहूँगा ये शायद से सबसे बेहतरीन माउस में से है जो मैंने आज तक इस्तेमाल करा है। और स्टार्टर्स हैं जो लोग अभी गेमिंग शुरुआत कर रहे हैं या मेरी तरह जो फिल्दी कैजुअल लोग हैं उनके लिए काफ़ी जेन्युइन माउस है मेरे हिसाब से। बट अगर कोई आप बहुत यार हार्डकोर गेमर हो तो मैं कहूँगा यार लॉजिटेक का ही कोई ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट देखो या रेजर वगैरह के माउस देखो, इस माउस में कुछ कुछ दिक्कतें अभी भी हैं। और ये जो माउस है ये अभी आजकल उपलब्ध है Amazon पे 2300 रुपये के आसपास पे,
और बाकी प्राइसिंग तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट इस प्राइस पर मुझे एक्चुअली में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और क्या आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, और आपको और कोई गेमिंग हार्डवेयर चैनल पर देखना है तो उसके लिए भी कमेंट छोड़ जाइए। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए। Just looking for the sports channel, Gary.